एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसा कि थंबनेल से आपको पता चल गया होगा, वो होने वाला है एक ह्यूज मीशो हॉल। एंड आज मैंने मीशो से पिक किए हैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे इंडो वेस्टर्न ड्रेस, कुर्ता सेट, टॉप, मैक्सी ड्रेस, मतलब बहुत सारा आपको कुछ एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। और सभी एक से बढ़ के एक है, ब्यूटीफुल है, अफोर्डेबल है और बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट कलेक्शन है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड आज जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है, ये भी मैंने मीशो से परचेज किया है। अगर जो मेरी पहले वाली वीडियो देख चुकी है उन्हें पता है, अगर जिन्होंने नहीं देखी आप देख सकते हो, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और वहां से आप उन्हें परचेज कर सकती हूँ। तो मीशो के बारे में जिन्हें नहीं पता है या फिर जो मुझसे नए जुड़े हैं, तो मीशो इंडिया का नंबर वन रीसेलिंग ऐप है। यहाँ से आप घर बैठे पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो, वो भी जीरो इन्वेस्टमेंट पे, एंड खुद के लिए तो शॉपिंग कर ही सकते हो। जितने भी आउटफिट शेयर कर रही हूँ सभी कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप उन्हें परचेज कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कीजिए मेरे दिए हुए लिंक से, जिससे आपको अपने फर्स्ट ऑर्डर पे फ्लैट 30% का या फिर 100 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप मीशो डाउनलोड कर सकते हो। और आज का वीडियो भी होने वाला है एक रीसेलिंग वीडियो, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। रीसेलिंग प्राइस, मीशो प्राइस साथ के साथ मेंशन करती जाऊंगी। लाइटिंग डील में है तो जल्दी से ग्रैब कर सकते हो। कैसे ग्रैब करना है आप सबको पता है, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पे क्लिप देने का ट्राई करूंगी, वहां पे जाके आप मुझे मैसेज करिए और वहां से आप परचेज कर सकते हो। तो चलिए विदाउट एनी लेट वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने मीशो से पिक किया है वो है एक टॉप। बहुत सारे लोग बोल रहे थे दी टॉप लेके आओ, टॉप लेके आओ, तो बहुत सारी टॉप मैंने ऑर्डर की हुई है, अभी एक ही मिली है। मैंने सोचा शेयर कर देती हूँ, नहीं तो होता क्या है, आउट ऑफ स्टॉक ही हो जाती है। तो ये आपको इस तरीके की पिंक कलर में टॉप देखने को मिलेगी। ये है एक ऑफ शोल्डर टॉप इन अफोर्डेबल प्राइस, बहुत ही सुंदर लग रही थी मुझे, कुछ न्यू पैटर्न लगा। क्लिप आप साइड में देख लेना, यहाँ पे आपको इस तरीके का इलास्टिक देखने को मिलेगा, पूरी प्रिंट है इस पे, प्रिंट किया हुआ है पूरी टॉप पे। इस तरीके की आपको बेल स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, बहुत ही कैजुअल सी टॉप है, बहुत ज्यादा स्टाइलिश भी है, समर्स के अकॉर्डिंग कलर काफी अच्छा है तो उस अकॉर्डिंग काफी अच्छी लगी। एंड साइज जो परचेस किया है वो है स्मॉल, इसमें भी आपको सारे साइज मीशो पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये है फर्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने अबकी बार मीशो से पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है ये है एक लहंगा, लाइक आप इंडो वेस्टर्न ड्रेस बोल सकते हो। ये एक रेप्लिका है एंड रियली बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगा, देखा जब ब्लैक कलर तो मेरा फेवरेट है ही, लेकिन मैं देखना चाहती थी निकलता कैसा है, और बस अभी तक मैंने खोल के नहीं देखा है। तो इस तरीके का आपको ये देखने को मिल जाएगा, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है, हैवी है काफी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ इसका बॉटम जो कि है लहंगा। लुक एट दिस, जिन्हें बिल्कुल हैवी लहंगा, पूरा भरा भरा एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा लेना है, गर्लिश है ये ड्रेस, जा सकते हो इसमें, काफी ज्यादा अच्छी है, न्यू ऑप्शन है आपके पास एंड रियली काफी अच्छी है। तो सबसे पहले वेस्ट बताती हूँ जो कि है अप टू 42, एक्सेल डबल एक्सेल साइज तक आराम से आ जाएगी। ये भी जो है मीशो पे बिल्कुल न्यू आया था, एक अभी से देखा स्क्रॉल करते करते, तो यार मुझे लगा रिव्यू इसका शेयर करना ही है, मैं भी देखना चाहती थी कैसा आता है, बिल्कुल मीशो पे कुछ न्यू लग रहा था मुझे। तो इस तरीके का आपको मिल जाएगा ये लहंगा, इसमें आपको वेस्ट इस तरीके की मिल जाएगी, टैफेटा सिल्क का है पूरा, और ये जो है ना पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है थ्रेड से, पूरी एम्ब्रॉयडरी है ये व्हाइट एंड बेज कलर के थ्रेड से। नीचे की साइड जाते जाते ये एम्ब्रॉयडरी इतनी हैवी हो जाती है, फुल लुक के लिए साइड में आप क्लिप देख लेना, सेम ही स्टिच है, यानी कि एक साइड से खुला हुआ, अंदर की साइड साटिंग की आपको लाइनिंग देखने को मिल जाएगी, कैन नहीं है, छोटा सा बॉर्डर में कैनवास लगाया हुआ है, मे बी फ्लेयर अच्छा आ जाएगा पहनने के बाद, वो आप क्लिप में देख लेना एक बार। वैसे तो 3 मीटर का फ्लेयर है, अगर नहीं आता है तो आपको इसमें कैन स्कर्ट पहननी पड़ेगी या कैन लगवानी पड़ेगी, और इसकी जो लेंथ है वो है 44। तो इस तरीके का आपको इसमें लहंगा देखने को मिल जाएगा। और इसमें जो ब्लाउज के लिए इन्होंने दिया है लाइक क्रॉप टॉप के लिए अंदर, तो कुछ स्टाइलिश सा इन्होंने दिया हुआ है, लुक एट दिस, इस तरीके का देखने को मिल जाएगा नेट का, और इसके लिए इन्होंने अंदर ये लाइनिंग भी दी हुई है, तो आप इसे स्टिच करवा सकते हो। जो क्रॉप टॉप है पूरा वो नेट का स्टिच होगा इस तरीके से, पूरा ये 90 सेंटीमीटर का इन्होंने क्रॉप टॉप के लिए फैब्रिक दिया हुआ है जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और अब इसको जो हाईलाइट कर रहा है इस ड्रेस को वो है इसका इस तरीके का श्रग, काफी ज्यादा अच्छी ड्रेस है यार, कुछ न्यू है, स्लीवलेस आपको ये देखने को मिल जाएगा, लाइक अब पूरा है ना स्लीव, क्लिप में देख लेना एक बार, इमेज में देख लेना, एज इट इज आपको वैसा ही मिलेगा। ये आपको जॉर्जेट फैब्रिक में श्रग देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको चारों तरफ जो फ्रंट है
जो कॉलर वाली साइड होती है पूरे में आपको इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी देखने को मिल जाएगी, ब्लैक थ्रेड से और इस तरीके के थ्रेड से फ्लावर बनाए हुए हैं, सेम एज इट इज एम्ब्रॉयडरी लहंगे में है, नीटली है काफी एम्ब्रॉयडरी, क्वालिटी अच्छी है और इस तरीके का आपको लॉन्ग शर्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये है फर्स्ट ड्रेस जो मैंने अबकी बार मीशो से, सॉरी ये है जो सेकेंड ड्रेस जो अबकी बार मैंने मीशो से पिक की है और ये किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं आई थी, मुझे पर्सनली मैं देखना चाहती थी कैसी आती है क्योंकि मुझे ड्रेस काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है मैक्सी ड्रेस। आप लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे थे दी समर स्टार्ट हो गई है तो आप मैक्सी ड्रेस शेयर करो हमारे साथ, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो मैंने मीशो पर सर्च किया, मुझे कुछ मैक्सी ड्रेस अच्छी लगी जो मैंने ऑर्डर की हुई है, तो ये वाली जो मैक्सी ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। एंड इस तरीके की आपको ये रेयॉन फैब्रिक में देखने को मिल जाएगी, फ्लोरल प्रिंट है पूरे पे आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा गार्डन प्रिंट किया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है, राउंड नेक है, स्लीवलेस है। एंड इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है स्मॉल, इसमें भी आपको सारे साइज मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख के चेकआउट कर सकते हो। फुल लेंथ मैक्सी ड्रेस है, यहाँ पे बेल्ट दी गई है जिसे आप टाई अप कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, पहनने के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, समर्स के अकॉर्डिंग परफेक्ट है क्योंकि समर्स में चाहिए होता है कुछ लूज कुछ इस तरीके का वन पीस जो कि एक तो अच्छा भी लगे पहनने पे, खिल के भी आए और खुद को भी एक कंफर्टेबल फील हो, तो वो चीज़ मैक्सी ड्रेस मुझे सबसे बेस्ट लगती है समर्स में कंपेयर टू जीन्स एंड टॉप। एक वन पीस हो लाइक मैक्सी ड्रेस हो बहुत है इनफ है एंड बहुत ही सुंदर लगता है पहनने के बाद। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक किया है। अब नेक्स्ट मैक्सी ड्रेस जो मैंने पिक किया है वो मेरी लास्ट वाली वीडियो में मैंने पहना हुआ था, बहुत सारे लोगों के कॉमेंट्स भी आए थे, तो ये भी मैंने मीशो से परचेज किया है, मैंने सोचा इस वीडियो में आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की एक है ना वन पीस है मेरे पास, मैक्सी ड्रेस नहीं है वन पीस है, पर वो ब्लू कलर में है। बहुत सारे लोग जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता होगा मेरे पास इस तरीके की ड्रेस है, लेकिन ये वाला कलर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था मीशो पे और ये लाइनिंग पैटर्न और उसमें ना वो स्ट्रेट है मेरी वाली, इसमें क्या है इलास्टिक वगैरह दिया हुआ है, पूरा प्रॉपर मैक्सी ड्रेस वाला लुक है, साइड में इसमें आपको इस तरीके की बेल्ट देखने को मिल जाएगी, तो मैं देखना चाहती थी कैसी आती है एंड प्राइस वाइज सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके की आपको इसमें शोल्डर देखने को मिल जाएंगे, स्ट्रैपी शोल्डर है, यहाँ पे स्ट्रैप देखने को मिल जाएगी, स्लीवलेस है, पूरा लाइनिंग पैटर्न है। और मेरी वाली जो ड्रेस थी ना वो फुल लेंथ में नहीं थी, वो नी लेंथ तक थी, ये मैक्सी ड्रेस आपको फुल लेंथ यानी कि एंकल लेंथ तक देखने को मिल जाएगी, रेयॉन फैब्रिक है, वेस्ट पे भी आपको इलास्टिक देखने को मिल जाएगा, कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, लाइक लाइनिंग वाला पैटर्न है तो काफ़ी सारे कलर्स भी हैं, तो मल्टी कलर समर्स के अकॉर्डिंग काफ़ी परफेक्ट भी रहते हैं, अच्छे भी लगते हैं, लुकिंग वाइज भी काफ़ी सही लगते हैं। तो ये है जो मैंने परचेज किया है, इसमें जो मैंने साइज परचेज किया है वो है स्मॉल, स्मॉल मेरे अच्छे से आ रहा है, आप क्लिप में देख लेना, आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हो और यहाँ पे बेल्ट वगैरह दी हुई है तो टाइट वगैरह जैसे भी करना चाहते हो अपने कम्फर्ट लेवल के अकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है मीशो से। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किए हैं वो है कुर्ता सेट, और मैं चाहती थी कुछ ऐसे कुर्ता सेट आपके साथ शेयर करूं जो कि समर्स के अकॉर्डिंग भी परफेक्ट हो एंड लाइक फ्लोरल प्रिंट में हो जो कि आप पहनो ना तो स्टाइलिश भी लगे सिल्वर ज्वेलरी वगैरह के साथ। तो ये जो कुर्ता सेट है मुझे मीशो पे दिख गए एंड काफ़ी सही लग रहे थे मुझे, फ्लेयर कुर्ती है, इनके दुपट्टा काफ़ी अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ पिंक कलर का जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ये आपको इस तरीके की फ्लेयर कुर्ती देखने को मिल जाएगी फुल लेंथ में, फ्लेयर है जो काफ़ी अच्छा है, इसका रेयॉन फैब्रिक है तो फ्लेयर ऑब्वियसली काफ़ी अच्छा आता है। इसमें आपको मैंड्रिन नेक देखने को मिल जाएगी, 3/4 स्लीव्स देखने को मिल जाएगी, मे बी इसमें साइज ऑप्शन नहीं था ये वाला जो पीस है कि आउट ऑफ स्टॉक है मीशो पे, लेकिन अभी जब मैंने सर्च किया तो कुछ ऐसे पीस है मीशो पे जिनमें साइज अवेलेबल है, तो ये तो फ्री साइज में है लेकिन आपको मैं उनका कोड दे दूंगी एज इट इज ये वाली ड्रेस का जिसमें साइज अवेलेबल है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के साइज के अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हो। एंड इस तरीके की आपको ये वाला फ्लेयर वाला कुर्ता देखने को मिलेगा, लुक एट दिस, बिल्कुल सिंपल है, बेबी पिंक कलर है एंड फुल लेंथ में है, प्लस इसमें जो दुपट्टा इन्होंने दिया है वो है फ्लोरल प्रिंट में जो कि इस ड्रेस को हाईलाइट कर रहा है, वो है इसका दुपट्टा, और इस दुपट्टे के टैसल्स जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है एंड इस तरीके की जो ड्रेस है समर्स में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, ये पूरा आपको इस तरीके का कुछ
रेयन में सिल्क टाइप का फैब्रिक मिक्स है जो कि काफी शाइनिंग वाला फैब्रिक है। पूरे पे आपको फ्लोरल प्रिंट देखने को मिल जाएगा। 2.25 मीटर का दुपट्टा है एंड इतने बड़े से इसमें टेसल्स लगाए हुए हैं जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। चारों तरफ देखने को मिल जाएंगे, चारों कोनों पे बहुत ही सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है ड्रेस का। एंड हाईली रिकमेंड करती हूँ, अगर आप लेना चाहते हो समर्स में तो इस तरीके की ड्रेस भी ट्राई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा सही लगती है, स्टाइलिश लगती है एंड कंफर्टेबल भी फील होता है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक किया है। अब जो नेक्स्ट एंड लास्ट मैंने मीशो से पिक किया है वो है इस तरीके का, ये वाला फ्लेयर वाली कुर्ती, कुर्ता सेट ही बोल सकते हो आपको आप इसे। ये भी रेयन फैब्रिक में है और समर्स में दो ही फैब्रिक सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं डेली में पहनने में, या तो रेयन हो या कॉटन फैब्रिक हो, कंफर्टेबल भी रहता है और अच्छे भी लगते हैं। तो इसको भी शायद ये वाला भी हाँ सेम ही सेलर से था, तो फ्री साइज है, पर ये भी शायद हम मीशो पे और सेलर सेल कर रहे हैं तो मैं उनके कोड दे दूंगी जिसमें आपको साइज ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज चार्ट देख के परचेज कर सकते हैं क्योंकि फ्री साइज तो काफ़ी ज़्यादा लूज हो जाएगा। और ये फ्री साइज में अगर अवेलेबल हुए तो इनके भी कोड दे दूंगी। ये फ्री साइज इतने हैं कि आपके एक्सल डबल एक्सल साइज तक आराम से आ जाएंगे। साइज इस तरीके के आपको ये वाला सूट देखने को मिल जाएगा। राउंड नेक है, बैक साइड आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, राउंड ही डीप नेक है। एंड ये जो पाइपिंग लगाई हुई है ये आपको पिंक कलर में, मजेंटा कलर में देखने को मिलेगी। बाकी पूरी कुर्ती फ्लेयर कुर्ती है। सेम नीचे की साइड आपको इस तरीके की पाइपिंग देखने को मिल जाएगी। फुल लुक आप साइड में देख लेना, फ्लेयर काफी अच्छा है, फुल लेंथ में है, रेयन फैब्रिक है, कलर काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो ये है कुर्ता और इसके साथ जो दुपट्टा मिला है वो है फ्लोरल प्रिंट दुपट्टा। मतलब आजकल काफी ज्यादा ट्रेंड में सिंपल कुर्ती हो, दुपट्टा काफी ज्यादा हैवी हो, तो वो पूरी ड्रेस को इतने अच्छे से हाईलाइट करता है ना, आपके लुक को काफी अच्छा दिखाता है। तो उस अकॉर्डिंग इसमें आपको इस तरीके का दुपट्टा देखने को मिलेगा। ये ऑरेगंजा सिल्क का दुपट्टा है एंड लुक एट दिस, काफी अच्छा है ना। ये पूरा इसमें गोटे का काम किया गया है, चारों तरफ इस तरीके के टेसल्स लगाए हुए हैं, बीच में ये इस तरीके के प्रिंट किया गया है, फ्लावर प्रिंट, और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, आपके लुक को एकदम से इन्हेंस कर देगा। एंड 2.25 मीटर का दुपट्टा है, इस तरीके के टेसल्स हैं चारों तरफ, चौड़ाई काफी अच्छी है। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने मीशो से पिक किया है। तो गाइस ये था आज का हॉल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ, जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए, उन्हें भी पता चले रीसेलिंग के बारे में। चैनल पे न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो विद बेल आइकन, क्योंकि फिर आपसे नोटिफिकेशन नहीं आता है अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हो, वीडियो मिस हो जाती है, रीसेलिंग वाले प्रोडक्ट भी चले जाते हैं, फिर आप बाद में बोलते हो, मुझे मैसेज करते हो, डीएम करते हो, दी हमें तो कभी कुछ मिलता ही नहीं है, तो आपको कैसे मिलेगा अगर आप वीडियो इतना देखोगे तो जब तक तो आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा। तो अगर आप लेना चाहते हो जल्दी से वीडियो देखो, एंड आपको मेरे चैनल पे और भी न्यू कलेक्शन देखने को मिलता रहता है, तो बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो चैनल को। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉच।